Hello everyone, in this video we will talk about role of organization behavior. जब भी हमें किसी भी organization के behavior के बारे में पता होता है तो हमारे लिए बहुत easy और simple हो जाता है management के primary जो functions हैं उनको perform करना, जो कि है planning, organizing, leading और controlling. Let's start with planning. Planning में हम लोग decide करते हैं कि हमें क्या काम करना है, कैसे वो काम करना है और कौन से इंसान से वो काम करवाना है. जब भी हमें किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के बिहेवियर के बारे में अच्छे से पता होता है तो हमें पता होता है कि उस ऑर्गेनाइजेशन का एनवायरनमेंट कैसा है, कैसा स्ट्रक्चर वो फॉलो करता है, कैसे टेक्नोलॉजी वो यूज़ करती है और लोग कितने फैमिलियर हैं उस टेक्नोलॉजी को लेकर के, और लोग कैसा काम करते हैं, कितने टाइम फ्रेम में वो काम करते हैं. जब हमें इन सारे कंपोनेंट्स के बारे में अच्छे से पता होता है तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ईजी हो जाता है उस ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को डिसाइड करना, और फिर हम उस गोल्स के अकॉर्डिंग हमारे रिसोर्सेज को अलोकेट कर सकते हैं, मतलब यूज़ कर सकते हैं उन गोल्स को अचीव करने में. द नेक्स्ट इज़ ऑर्गेनाइजिंग. एक ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं तो हम उन सारे डिफरेंट कंपोनेंट्स को साथ में एक फ्रेम में लेके आते हैं जिससे कि हमारे कंपनी की या ऑर्गेनाइजेशन की जो वर्किंग है वो बहुत स्मूथली हो सके. तो हम ऑर्गेनाइजिंग में क्या करते हैं, इस्टेब्लिश करते हैं रूल्स और रिपोर्टिंग रिलेशनशिप को जो अलाउ करती है लोगों को कि वो अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव कर सकें. रूल्स और रिपोर्टिंग रिलेशनशिप का मतलब होता है कि किस इंसान के पास पावर है कि वो ऑर्डर्स देगा और कौन इंसान सबऑर्डिनेट है जो कि उन ऑर्डर्स को फॉलो करेगा और वो अकाउंटेबल होगा अपने सुपीरियर को. नाउ लेट्स मूव टू लीडिंग. ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्लान्स बनाने के बाद और फिर सारी जितनी भी चीज़ें हमें रिक्वायर्ड थी उन प्लान्स को अचीव करने के लिए, उनको ऑर्गेनाइज करने के बाद जो इम्पॉर्टेंट टास्क रहता है वो रहता है इंडिविजुअल्स को डायरेक्शन प्रोवाइड करना और उनको लीड करना. क्योंकि जो इंडिविजुअल्स हैं वो बहुत ज़्यादा अलग डिफर करते हैं एक दूसरे से, और उनकी जो नीड्स होती है, जो उनकी पर्सनैलिटी टाइप है, जो उनकी परसेप्शंस है, वो हमेशा डिफर करेंगे एक दूसरे से, और उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो सब लोग साथ में आके एक सेम डायरेक्शन में काम करें. क्योंकि अगर जितने भी इंडिविजुअल्स हैं वो अगर अलग डायरेक्शन में काम करेंगे तो हम कभी भी ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव नहीं कर पाएंगे. तो इसके लिए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम इंकरेज करें इंडिविजुअल्स को और ग्रुप्स को कि वो साथ में आए और एक ही डायरेक्शन में काम करें जिससे कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स अचीव हो सके. नाउ मूव टू नेक्स्ट पार्ट विच इज़ कंट्रोलिंग. इसमें हम इवैल्यूएट करते हैं कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन ने कितने अच्छे से अपने गोल्स को अचीव किया था, और उसके लिए हमने जो हमारे स्टैंडर्ड्स, जो हमारे गोल्स सेट किए थे, हम उनको कंपेयर करते हैं हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस से. अगर हम जब कंपेयर कर रहे हैं तो एक बहुत थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है, अगर डिफरेंस नहीं आ रहा तो हम नेक्स्ट टाइम जब प्लान करते हैं तो हमारे स्टैंडर्ड्स को पहले से थोड़ा हाई सेट कर लेते हैं. और अगर हमारा जो डिफरेंस आता है हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस का और हमारे सेट स्टैंडर्ड्स का, तो हम फिर एक्शन देखते हैं, हम फीडबैक लेते हैं और हम वो सारी चीज़ें देखते हैं कि कहाँ कहाँ हमने गलती करी थी और किन चीज़ों से, कौन से एक्शंस हैं जिससे हम हमारे परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकें, और फिर इन सब चीज़ों के अकॉर्डिंग ही हम फिर नेक्स्ट टाइम के लिए प्लान करते हैं. तो बेसिकली ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है जो चलता रहता है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग और कंट्रोलिंग, एंड देन अगेन फिर वो वापस साइकिल मूव करती है प्लानिंग पे. सो इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब इट एंड प्रेस द बेल आइकन, एंड इन नेक्स्ट वीडियो we will cover characteristics and natures of organization behavior.